सीता माता जी की स्नान करने की जगह सौभाग्य तीर्थ कहा जाता है। गुड मॉर्निंग यू गाइस। तो नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है, अभी बस मैं ऊपर आई हूँ। अभी हम लोग निकलेंगे 9:30 बजे। तो जी हम लोग निकल चुके हैं दर्शन के लिए नासिक, और हम लोगों ने सबसे पहले दर्शन किए मुक्ति धाम टेम्पल के, उसके बाद हम लोग गए पंचवटी। तो पंचवटी में जो भी 14-15 साइट थी हम लोगों ने वहाँ पर विजिट किया, और उसके बाद हम लोग लास्ट में गए थे त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। तो अभी हम लोग निकले हैं फिलहाल मुक्ति धाम टेम्पल के लिए। तो ये है मुक्ति धाम टेम्पल की एंट्री, और ये जितना भी आप एरिया यहाँ पे देख रहे हो ये सारा पार्किंग का एरिया है। थोड़ी देर में बिगड़ जाएगा। और पैरों में गर्म लग रहा है बहुत तेज। चश्मा कैसे पीछे कर रहा है बार बार ना एरोप्लेन में। ये लो, नहीं चाहिए जीरा सोडा स्वीट था, नहीं चाहिए ये पहनो। लो पहले पहन दो, सोडा लो, लो आई से ले लो, चलो भैया। ये हम नासिक की जेल वाली रोड पे हैं, लेकिन ये डली नहीं पाएगा नासिक बनाने के लिए। हम ट्रैफिक में फंसे पड़े हैं, नासिक की जेल वाली रोड है। ये मेरी बीवी है, आम पापड़ खा रही है। ये मेरे जीजू है, उन्होंने दिया है। ये नीता भाभी है, तुम्हें जाना है कि मैं हूँ, मैं ज्यादा स्मार्ट हूँ। फिर हम नासिक के जेल में फंसे पड़े हैं। अभी नया आया हूँ, अभी नया हूँ मैं पहली बार बना रहा हूँ एक्चुअली। आ गई, अरे घंटी का है। क्या 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 दोबारा बोलने का काम चल रहा है। रावण जब लक्ष्मी का वहाँ पे खींची थी, यहाँ पे रावण आया था, उठा के लेके गया सीता माता को यहाँ से। तो ये जो भिक्षा लेने आए थे, भिक्षा दी थी इतने बाहर आके थे, तो जैसे हमको अपहरण किया। कौन है ये? गोदावरी संगम है यहाँ पे, और सरदा मंदिर है। अच्छा, यहाँ पे नदियों का संगम है, और ये अपना मंदिर बड़ा सुंदर बना हुआ है, सरदा मंदिर सतपाल जी महाराज का। आप बताते रहना, आप अच्छा लगता है आप जब बोलते हो। चश्मा तो लगा लो बेटा, चलो मंदिर है छोड़ो। और ये क्या चीज है? अच्छा, ये गोदावरी कपिला संगम, तपोवन है। तपोवन, तपोवन जगह पर तीन भगवान खड़े हुए थे, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तीन भगवान के चरण के तीन कुंड है। ये तीन भगवान को साक्षी मानकर सीता माता ने इधर अग्नि में प्रवेश किया था। ये अग्नि कुंड है जो रावण लेकर गए सीता माता का, मायावी रूप लेके गए पंचवटी सीता गुफा से।
जो सीता माता का असल रूप तीन भगवान के सामने अग्नि में उत्तर रखा था, ये अग्नि कुंड, ये बीच में वाला मुक्ति कुंड है। सीता माता जी की स्नान करने की जगह सौभाग्य तीर्थ कहा जाता है। नीचे में कपिल ऋषि ने तप करके लाए कपिला नदी, त्र्यंबकेश्वर से आते गोदावरी, दो नदी का पीछे संगम होता है। ये सात कुंड का तीर्थ लेना जो भी आपकी इच्छा बने, जो कर्म करना होगा करो, रामायण कालीन जगह यथा शक्ति दान होते करो अपनी इच्छा से, रामायण कालीन जगह करो, जो दानम करना होगा करो। यहाँ बहुत जल्दी भागना पड़ेगा, बहुत गर्म है, सीढ़ी बहुत ज्यादा गर्म है। सो गाइस, पंचवटी में जो भी धाम थे ना, ये उनमें से ही एक था। और यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर जब अपने माता पिता के चरणों को हम धोते हैं तो हमारे पाप धुल जाते हैं। बट एक्चुअली मम्मी ना गाड़ी में बैठे थे क्योंकि बहुत धूप थी और वो नंगे पैर थे, इस वजह से मम्मी निकल नहीं पाए थे। बट पापा थोड़ी देर में हमको दिख गए थे, उसको मैं कवर नहीं कर पाई, बट पापा हमको थोड़ी देर में दिख गए थे, तो हम लोगों ने पापा के चरण को धोया है। सो गाइस, पंचवटी के दर्शन के बाद आधे घंटे के बाद तकरीबन हम लोग यहाँ पहुँचे थे। हम लोगों ने डिसाइड किया कि लंच करने के बाद हम लोग त्र्यंबकेश्वर के लिए बढ़ेंगे आगे। कोशिश करूँगी लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँ। तो हम लोग यहाँ पहुँचे थे, यहाँ पे हम लोगों ने लंच किया। लंच हमारा ठीक ठाक था, मतलब जो खाना था यहाँ का, दाल में तो नमक था ही नहीं, पता नहीं यहाँ के लोग फीका खाते हैं या फिर दिल्ली वाला टेस्ट हमें कहीं मिल ही नहीं सकता, आई डोंट नो। तो हम लोग यहाँ पहुँचे थे लेकिन हमारा पेट भर गया था। सो गाइज, फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं त्र्यंबकेश्वर टेम्पल और ये है पार्किंग। यहाँ पर बस हम लोगों ने गाड़ी खड़ी की और उसके बाद थोड़ा सा वॉक इन है अंदर की तरफ, तकरीबन होगा 1 किलोमीटर के आसपास। आपको पार्किंग से 1 किलोमीटर के आसपास चलना पड़ता है। ब्रश बिल्कुल नहीं करता, दांत गंदे हैं। अच्छा, तंबाकू खाता लग रहा है मुझे। बेटा गुटखा नहीं खाना चाहिए इतना। तो आप जब त्र्यंबकेश्वर टेम्पल की तरफ बढ़ोगे ना, तो रास्ते में ही आपको पूरा मार्केट एरिया दिखेगा एंड सारी चीज़ें वही हैं जो दिल्ली में मिलती हैं। तो ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं कि यहाँ से लेना चाहिए, बट निशानी के लिए आप कुछ भी ले सकते हो। बट आई वुड से कि आप यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग ना करें क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा महंगे रेट पर देते हैं और ऊपर से ये दिल्ली से ही जाता है, तो आप दिल्ली में भी इजीली ये चीज़ों को फाइंड कर सकते हो। एंड सबसे जो गलत चीज़ वहाँ पर होती है वो ये होता है, श्रद्धा के नाम पर ना ये लोग आपको लूटते हैं। इवन जो आपने गाय को डाला है ना, वो लोग उसको भी आगे से उठा लेते हैं उनके और उसको भी अगेन रीसेल करते हैं। वो बहुत गलत चीज लगी मुझे। इसे क्या करना होता है बता दो। शिव जी को पसंद, बेलपत्र पसंद होते हैं ना। अच्छा, तो उसका ये सिल्वर में आगे दान में चढ़ाएंगे। तो जी, दर्शन करके हम लोग अभी बाहर आ गए हैं और अंदर मैंने कोई भी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं की, बिकॉज अलाउ होता भी नहीं है। तो अंदर वैसे भी बहुत सारे श्रद्धालु थे, बहुत भीड़ थी, तो अंदर मैंने पॉकेट में रख दिया था फ़ोन। बट हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए एंड अभी हम लोग लेंगे यहाँ पे फ़ोटोज़। वो वाला एरिया पता नहीं, बस वो रह गया, वो वाला एरिया बड़ा सुंदर। एक्चुअली इसलिए है क्योंकि इसमें तीन भगवानों का संगम है, ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा, ठीक है, इसलिए गांव का नाम भी त्र्यंबकेश्वर ही है, तीनों भगवानों का संगम है। और नीचे दो, मतलब नीचे आपको दिखता है जब आप दर्शन करने जाते हैं तो आपको नहीं दिखेगा, बट नीचे तीनों का आपको अलग अलग है।
तो जी अभी हम लोग पहुंच गए अपने भवन और हम लोगों का डिनर का वैसे प्लान था कि हम भवन में ही करेंगे, बट पूड़ी खाने का बिल्कुल मन नहीं था इसलिए हम सब लोग गए थे पास के ही रेस्टोरेंट में। एंड मैं व्लॉग को एंड करना भूल गई थी क्योंकि हम लोग बहुत थक भी गए थे, तो यहाँ से डिनर करने के बाद हम गए सीधा रूम पर एंड उसके बाद हम लोग सो गए थे। आई होप आपको वीडियोज़ पसंद आए होंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।